तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो विल, क्या हो रहा भाई? वैसे ब्लर ब्लर सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है टाइम लैप्स शूट हो, सारी वीडियो टाइम लैप्स में शूट होगी ना, लग जाएंगे फिर। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर तुषार रुजा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कहीं घूमने वूमने नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, और काफी ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है और काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड। और आज की इस वीडियो में मैं क्यू एन ए करने वाला हूँ, ठीक है? अभी मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट डाला करीबन आधे घंटे पहले, तो आई होप आई विल आंसर मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि लोग बोलते हैं ना भाई फालतू के क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, इंपॉर्टेंट तो आप करते ही नहीं, क्या यूट्यूब चैनल अक्कल वक्ल है नहीं तो भाई सब मतलब। अगर आप लोगों को भी क्वेश्चंस पूछने होते हैं आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है? तो शार वर्जा 20 अब, और मैं सोच रहा हूँ कि हर 9th या 10th वीडियो में क्यू एन ए की रखूँ, क्योंकि काफी सारे लोग क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं फिर आंसर भी नहीं हो पाते, मतलब समझ रहे हो ना? तो हर 9वीं या 10वीं वीडियो होगी क्यू एन ए से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरनेशनल बैन कब हट रहा है, ठीक है? वेन कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम टू ऑस्ट्रेलिया? तो आज सबसे पहले हम वो आंसर करते हैं। तो भाई इसी वीक से, मतलब 2-3 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन आ गई है, ठीक है? And this vaccination brings like a lot of hope for the international bans to open. And by this, जो vaccination है वो काफी ज्यादा positive sign है। जो CEO है flight center के, Graham Turner, he said the international travel would likely recommence after the end of June. Australian Prime Minister is vaccinated as well, and इस पूरे week में करीबन 60,000 लोगों को ये vaccination इस week में लगने वाली है, ठीक है? And this number will obviously increase in future. अगर vaccination पूरी तरीके से successful रही तो, अब भाई आप लोग बोलोगे let's get back to Australia वाला hashtag को हम popular कर देते हैं Twitter पे, उससे impact पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में, गवर्नमेंट थोड़ा उसके बारे में सोचेगी। और भैया अकेले हम ही नहीं, यूनिवर्सिटीज वगैरह भी काफी ज्यादा परेशान है कि बॉर्डर्स नहीं खुल रहे, ऑब्वियसली उन लोगों की इनकम है, सबसे ज्यादा पैसा जो मोस्टली इस कंट्री में आता है, मतलब 3rd या 4th रैंक से, वो स्टूडेंट से आता है, ठीक है? इंटरनेशनल स्टूडेंट से, वी आर पेइंग अ लॉट ऑफ फीस, एंड अगर फीस नहीं आएगी तो मतलब समझ रहे हो ना, वी पे लाइक सम अराउंड $50,000 to $60,000 टू द यूनिवर्सिटी, मतलब एक बच्चे से, ठीक है? और इतने सारे करीबन लाखों में लोग वेट कर रहे हैं कि बॉर्डर्स कब खुलेंगे, तो यूनिवर्सिटी को भी लॉस है, गवर्नमेंट को भी लॉस है, ओवरऑल सबको लॉस है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं पूरे वर्ल्ड में लॉस हो रहा है, ठीक है? सारी इकोनॉमी गिरी हुई है, बट ऑस्ट्रेलिया हैज फाइनली गॉट द वैक्सीन्स एंड यू विल सी द गुड रिजल्ट्स वेरी सून। तो जल्दी से जल्दी वी कैन एक्सपेक्ट कि जून के एंड तक मोस्ट लाइकली बॉर्डर्स खुल सकते हैं, एंड दिस इज नॉट 100% करेक्ट, ठीक है? बॉर्डर्स खुल जाते हैं, ठीक है? आप लोग ऑस्ट्रेलिया में आए तो यू हैव टू क्वारंटीन योर सेल्फ, एंड दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड लाइक $3,000 to $4,000, ठीक है? 14-15 दिन के लिए, बट वो सब ठीक है, सॉर्टेड है, आप लोग आओगे पैसे से कमा लोगे। उसके बाद वैक्सीनेशन की वजह से काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है इस चीज को लेकर कि बॉर्डर्स बहुत जल्द खुलने वाले हैं, एंड आई विल टेल यू ये चीज कभी भी हो सकती है, ठीक है? अनएक्सपेक्टेडली यू वुड नेवर नो कि कभी भी मतलब ऐसे न्यूज आ जाएगी कि द बॉर्डर्स हैज बीन ओपन, नाउ यू कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया। और जो भी सारी पॉलिसीज होंगी जब भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो अब हम लोग क्यों इनको आंसर करेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन है भाई, ओवरवेट ओबिसनेस क्या होता है, ओबीस होता है ना, हाँ, ओबीस से कोई मेडिकल में रिफ्यूजल तो नहीं होता? तो ये क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल से रिलेटेड है, जब आप एज ए स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आते हो तो इसको लेके कोई भी इशू नहीं होता, ठीक है? अगर आप लोग स्पेक्स भी पहनते हो तो कोई इशू नहीं होता, सॉर्टेड है सब। निलेश भाई ने पूछा भाई मम्मी को मिस करता है, लव फ्रॉम लंदन। तो भाई ऑब्वियसली माँ को कौन मिस नहीं करता भाई, डेली मतलब काफी हद से ज्यादा याद आती है, और अकेले हैं भाई यहाँ पे, कौन है अपना, तो अकेले इस कंट्री में दूर दराज समुद्र पार बैठे हैं भाई, ऑब्वियसली घर की याद आती है, बट डेली बात हो जाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन रहती है दिल को, बट घर की याद तो भाई हद से ज्यादा आती है, और रुलाओगे क्या? तो अगला क्वेश्चन है भाई, कितना हरकिरत भाई का है कि डोमिनोज से कितना कमाते हो मंथली? तो भाई ऑस्ट्रेलिया में हर चीज जो होती है वो वीकली पे होती है, तो आप मंथली से मल्टीप्लाई कर लेना। एज आई एम कैजुअल इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया नहीं, एज आई एम कैजुअल एट डोमिनोज, कैजुअल एम्प्लॉय एट डोमिनोज, तो करीबन मतलब तो सारा खेल आर्ट्स का है, ठीक है? इफ आई एम गेटिंग लाइक 16-17 आवर्स तो मेरे इजिली $450-500 हो जाते हैं, और इफ आई एम गेटिंग लाइक मोर आवर्स तो भाई बढ़ा लो पैसे, फिर $25 पे ही थी ना, तो उसके हिसाब से कर लो, और टैक्स वैक्स भी कटता है तो थोड़ा बहुत कट कट के आता है, तो 16 घंटे के 25 से भाई 400-500 कैसे हो रहे हैं? गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं भाई, करीबन बैठ जाता है आसपास, इसी के आसपास बैठता है, मतलब समझ जाओ ना, 25 से कर लो मल्टीप्लाई। तो भाई अगला क्वेश्चन है तेजस्विनी का, बेस्ट पार्ट टाइम जॉब फॉर गर्ल्स। तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि भाई कोई भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है? लड़कियां उबर भी करती हैं, लड़कियां आरएसए में, मतलब जो आरएसए के कोर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल सर्विस अल्कोहल, बार वगैरह में भी काम होता है, वेटरेस जॉब भी होती है, काफी सारी जॉब होती है, और भाई बेस्ट तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी जॉब करना चाहते हो। किसी को वेटरेस की जॉब अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती, किसी को रिटेल की अच्छी लगती है, किसी को नहीं, मतलब आपके ऊपर
डिपेंड होता है, तो सारी जॉब्स हैं भाई बेस्ट तो वही होती है जिसकी पे तगड़ी होती है। और वही ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि अपनी मनपसंद की जॉब करो, ठीक है, ये नहीं कि जबरदस्ती आप जा रहे हो, मतलब ठीक है वो भी अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट इफ यू हैव एन ऑप्शन देन ट्राई टू फाइंड अ गुड जॉब जिसको आपको करके खुशी होती है, ठीक है। स्टूडेंट हो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकते भाई कि काम पे ये हो रहा है, काम पे ये सिर दर्दी है, भाई पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है। और यूनिवर्सिटी भी शुरू हो गई है मेरी, ब्लॉग आएगा जल्दी। तो भाई देवानंग है ना, हाँ डीजे देवानंग ने पूछा है, भाई फटी पड़ी है और ऑफलाइन एग्जाम से कुछ टिप दे दो अकाउंट्स में डेली वीडियो प्लीज। तो भाई अब अकाउंट्स के एग्जाम आ रहा है ऑफलाइन और एकदम से एंड में, तो भाई पता ही नहीं कैसे हो पाएगा। अकाउंट्स में पूरे साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है। जब मैं अपनी 12th क्लास में था भाई, बुक चार्ट ली थी, ठीक है, सब कुछ पता था, और मेरे अकाउंट्स में आए थे 12th में 84 मार्क्स और 15 नंबर का झूठा था शायद, तो जितना करके आया था बढ़िया करके आया था भाई, बिल्कुल ऑन पॉइंट। और अकाउंट्स का पेपर हमेशा लेंदी आता है, आप लोगों को पता ही होगा, तो थोड़ा स्पीड अप भी करना है और प्रैक्टिस करनी है पूरे साल। तो भाई एंड में क्या करें पता नहीं भाई, जयराम जी की करके आया था भाई अब तू। तो भाई अगला क्वेश्चन है गर्व चावला 98 की, भाई आपने घर क्यों चेंज करा। तो भाई जो जगह पे मैं पहले रहता था वो स्टेशन से काफी ज्यादा दूर थी, करीबन 10-12 से 15 मिनट लग जाते थे वॉक पे, और ठीक है सारी चढ़ाई हल्की हल्की चढ़ाई होती थी, तो अपने भाई जोड़ में कहा इतना दम है। तो मैंने स्टेशन के पास घर लेना था और रेट ऑलमोस्ट सेम ही था रेंट का, तो करीबन और हाँ लास्ट वाली वीडियो में लोगों ने बोला कि $430 महीने का रेंट है, वीक का, भाई वीक का रेंट है 430, महीने कितना हो गया 1600 के 1700, हाँ ऐसे हो गया। तो भाई जोब डोब ने पूछा है ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ। तो भाई मेरी लाइफ का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट यूट्यूब, वो पीछे सेक्सी बॉय बैठा है ना, रुको फोकस नहीं हो रहा, मतलब वही प्ले बटन रखे वहां पे, तो वो है, और उससे बड़ा मेरे को कोई आज तक अवार्ड नहीं मिला, और आप लोगों से जितना प्यार मिलता है भाई उससे बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं। मतलब अभी तो आपने बोला कि उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता प्यार, मतलब और अभी भाई 1 मिलियन भी कराओ मतलब। अगला क्वेश्चन धनंजय भाई का है, ठीक है, फिल्मों की, मतलब सीरियस क्वेश्चन नहीं, थोड़ा मजाक वजाक मिक्स करके कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। फिल्मों की तरह क्या वहाँ पे भी पब्लिक में लोग शुरू हो जाते हैं पप्पी जप्पी करते हुए, तो सब चलता है भाई यहाँ पर, ये नहीं है कि बिल्कुल पब्लिक एरिया में जहाँ आसपास बच्चे होते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि भाई मतलब समझ जाओ ना, पर हगिंग हग वगैरह किस वगैरह तो हल्की बहुत चलती रहती है। तो भाई अगला क्वेश्चन है अमन का, भाई अमित भैया हमेशा के लिए इंडिया चले गया कुछ टाइम के लिए, पर उनकी फैमिली भी ऑस्ट्रेलिया में ही थी करीबन 2 साल तक, ठीक है, उसके बाद से उनकी फैमिली मूव टू इंडिया कब है, नवंबर में लास्ट ईयर, मतलब हाँ 2019 में नवंबर में उनकी फैमिली इंडिया मूव हो गई थी, एंड भैया ऑल्सो थॉट ऑफ गोइंग बैक टू इंडिया, क्योंकि भाई मतलब अपने ऊपर होता है कि रहना है कि नहीं रहना, और पीआर वगैरह का सब कुछ जुगाड़ था भैया के पास, बट उनकी फैमिली मूव हो गई एंड ही गॉट स्टक इन ऑस्ट्रेलिया 1 साल के लिए करीबन अकेले थे, तो उसकी वजह से ही थॉट ऑफ यू नो गोइंग, मतलब अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है भाई सबकी, हम लोग किसी की ओपिनियन को कुछ कह नहीं सकते, बट इन द एंड ही थॉट ऑफ गोइंग बैक टू इंडिया, मतलब मर्जी अपनी है भाई, अपना भारत महान। तो हाँ अमित भैया इज नॉट कमिंग बैक, बट हम उनसे जरूर जाके मिलेंगे बहुत जल्दी। WTF विवेक का, व्हेन आर यू बाइंग अ न्यू कार ब्रेजा साहब। तो भाई WTF विवेक भाई, जब पैसे होंगे। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग द माजदा 3 और माजदा 6, ठीक है, 2010-11 का मॉडल। तो पहली गाड़ी 2005 की होगी, अगली गाड़ी 2010-11 की होगी, उसके वाली है 2015 की, और फिर दो नहीं लेंगे फिर। हाँ जब पैसे इकट्ठे होंगे तो करीबन $7,000-8,000 तक का मतलब बजट रख के चलूंगा गाड़ी लेते टाइम। तो भाई अगला क्वेश्चन है यशस्वी कंबोज भाई का, भाई है ना, हाँ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। तो भाई इन द नेक्स्ट 5 years आई सी मायसेल्फ अगेन स्ट्रगलिंग, ठीक है, क्योंकि और तो भाई इन द नेक्स्ट 5 years आई सी मायसेल्फ क्या सोचा था मैंने, आई सी माई सेल्फ एज अ गुड सक्सेसफुल यूट्यूबर, मतलब ऐसा कह के रहा हूँ मुझे नहीं पता, या फिर मैं बन भी सकता हूँ मुझे नहीं पता, बट आई वॉन्ट टू रियली वर्क हार्ड। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है वीडियो डालने की, आपने नोटिस करा है, लास्ट मंथ मैंने डाली थी, मतलब नवंबर में मैंने डाली थी 2-4 वीडियो, फिर दिसंबर में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, जनवरी में भी इंक्रीज हुई, और इस महीने में भी वी हैव पोस्टेड लाइक 13 वीडियो टिल नाउ 22-23 तारीख तक, और इस महीने का मेरा टारगेट 20 वीडियोज का था, बट पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो धीरे धीरे आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर यूट्यूब, एंड रही बात अकाउंटिंग की, तो आई विल गेट डिग्री एंड उसके बाद जॉब वगैरह जैसी लगती है जो भी होता है देखेंगे, इंटर्नशिप्स वगैरह, बट मुझे पता है भाई अकाउंटिंग मेरे से आगे जाके इतनी तगड़े तरीके से होनी नहीं है, और अगर मेरे को अकाउंटिंग से प्यार हो गया तो पता नहीं है किसी और से। और टू बी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन आई नेवर थिंक लाइक दिस कि भाई 5-6 साल बाद क्या, मैं अभी का सोचता हूँ, ठीक है, अभी क्या करना है, आगे के 6 महीने के अंदर क्या करना है, 5 साल बाद का अगर मैं सोचूं तो भाई काफी ज्यादा सोचने में चीजें हैं, बट हमेशा से मेरी जो लाइफ में जो रूल रहा है, ठीक है, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के यूज किया है, दैट इज टू अचीव योर शॉर्ट टर्म गोल्स। मेरा स्केड्यूल अगर आप लोग सुनोगे आप लोग हैरान हो जाओगे, मैं करीबन 5-6 बजे सो रहा हूँ पिछले करीबन 10-15 दिन से। आई नो दिस इज अ वेरी बैड स्केड्यूल, बट सुनो एक बार, 5 बजे मैं सोता हूँ, ठीक है, 1-2 बजे उठता हूँ मैं, 5 बजे फिर मैं ऊबर, मतलब छुट्टियों का स्केड्यूल है, पढ़ाई शुरू होगी तो अलग बन जाएगा, 5 बजे से लेके
10 बजे तक मैं उबर करता हूँ और 10:30 मतलब उसके बाद एक दो घंटे में वीडियो एडिट करता हूँ, अपना खाना वाना देखता हूँ क्या करना है, उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, जिम से मैं आता हूँ वापस 1-2 बजे, उसके बाद वीडियो एडिट करके 5 बजे तक सो जाता हूँ। तो अभी तक मेरा करीबन जो काम चल रहा था 12 घंटे के करीबन मैं काम कर रहा था ओवरऑल एक दिन में, और मेरा डेली का यही होता था कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे करके ही सोऊंगा, लोग नोटिस करेगी नहीं चीज, मैं करीबन 5 भी 6 भी बज जाए कोई नहीं मैं वीडियो डाल के सोता था। आई एम बेसिकली फोकसिंग ऑन माय शॉर्ट टर्म गोल्स, बड़े गोल क्या है कि भाई फरारी लेनी, लंबोर्गिनी लेनी, घर खड़ा कर रहे हैं, वो सब गोल्स आप कर सकते हो अचीव, यू कैन डू इट, अगर आपके गोल्स नहीं है तो यू कांट वर्क, बट आई थिंक इन माय ओपिनियन यू हैव टू ऑलवेज वर्क ऑन योर शॉर्ट टर्म गोल्स। सुबह उठो या एक रात पहले या 2 दिन पहले अपना गोल बना लो कि मेरे को इस दिन तक ये करना है, तब जाके आगे काम होंगे। मैंने देख लिया भाई लॉन्ग टर्म गोल बना के मेरा तो कोई फायदा नहीं हो रहा कि भाई अगले साल तक मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, भाई अभी तो नहीं हो रहा कुछ और अगले साल किस पड़ी है। दिस इज माई थॉट, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, आई माइट बी रॉन्ग इज वेल, बट मैं ऐसे ही करता हूँ अपने काम डेली के, खत्म करके ही सोते हैं, मेरे को नींद नहीं आती मेरा वीडियो एडिट करें, यही पॉइंट है। तो भाई अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की पार्ट टाइम जॉब मिलती है, तो भाई ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब आपको मिल जाएगी ढूंढने पे, ठीक है, सारी चीजें आपको हाथ पैर मार के करनी पड़ती है। मैं अगर अभी अकाउंटेंट की जॉब देखने जाऊँ, मेरे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो जब मेरा सीपीए शुरू होगा मैं तब अपनी इंटर्नशिप करूंगा, और अभी भी हाथ पैर मार के मतलब खुद ढूंढना पड़ता है, कोई आपको हलवे की तरह लागे नहीं देता, वर्कशॉप्स अटेंड करनी होती है काफी सारी, और जहाँ पे ऑफिशियल्स आते हैं आपको मतलब इंटरेक्शन अपने गुड रिलेशंस बनाने ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको जॉब वगैरह मिल जाती है। ये नहीं कि उबर कर रहे हो घूम रहे हो फिर रहे हो कुछ होश ही नहीं है जिंदगी का सब हो जाता है भाई धीरे धीरे। तो भाई एज यू कैन सी काफी ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोग बोलते हो भाई हमारा आंसर नहीं किया, रुको भाई हमारा आंसर नहीं किया, भाई हमारा आंसर नहीं किया, तो सबके क्वेश्चन के आंसर होंगे बट नेक्स्ट क्यूएनए वीडियो में, मतलब सबके नहीं जितने को हो सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इतनी से अच्छी लगे लाइक कर देना, कुछ अच्छी लगी बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर देना, क्यूएनए वीडियो बनाने में बैठा तो भाई 2-2 घंटे की बन सकती है। तो मेरा इनिशिएटिव है कि हर 9वीं या 10वीं वीडियो क्यूएनए होगी, बाकी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया करूंगा, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो जाके, और हाँ बस भाई जिन जिन को आंसर नहीं कर पाया रियली सॉरी, और हाँ बॉर्डर्स जल्दी खुलने वाले हैं, लव फ्रॉम सिडनी बॉय फ्रॉम इंडिया पीस, बट जैसी नई वैक्सीनेशन आई हैं बोला ही नहीं बट जैसी नई वैक्सीनेशन आई हैं बोला भी नहीं जा रहा।